सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अलग टॉपिक पे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज योर एफपीएस इन पुजॉब लॉन्चर। अब बोलोगे भाई ये कैसी ना बतानी पड़ी, भाई तू पुजॉब लॉन्चर पे वीडियो बना रहा है। एंड गाइस देखो, पहली बात कि मेरे बहुत सारी ऑडियंस जो है वो पुजॉब लॉन्चर में खेलती है, क्योंकि गाइस सब लोग एक अच्छा पीसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या कर भी पाते तो गाइस वो मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाता है कि उतना अच्छा वो आपको परफॉर्मेंस ना दे पाए। बट आखिर एक अच्छा मोबाइल होगा तो आप उसमें एक अच्छे लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, लाइक पुजॉब लॉन्चर में। और माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन तो कौन ही खेलता है अभी, तो गाइस लाइक पुजॉब लॉन्चर, ठीक है, पुजॉब लॉन्चर में आप बहुत सारे सर्वर खेल सकते हो। एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक दिक्कत होती है, पुजॉब लॉन्चर का जो अभी अपडेट आया है उसके बाद वो पुजॉब लॉन्चर का मतलब कुछ सेटिंग समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, पुजॉब लॉन्चर आपका बहुत मोबाइल में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, भले आपका मोबाइल कितना भी अच्छा हो वो लैग हो रहा है। तो आज मैं आपकी इन सारी सॉल्यूशंस का हल लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं पुजॉब लॉन्चर का एफपीएस फिक्स। इस सेटिंग को करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इन सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप किया और आपका मोबाइल अगर थोड़ा सा भी लायक होगा इस सेटिंग को करने के बाद, तो आपके 500 प्लस एफपीएस तो आ जाएंगे आसमान में देखने पर। जी हाँ, आसमान पर देखने पर, नहीं तो नॉर्मली 200-300 तक ही चलेगा वो। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड आप लोग जस्ट इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर आप एक भी सेटिंग मिस करते हो तो फिर सेटिंग्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि इन सब सेटिंग्स कनेक्टेड हैं आपस में। एंड सबसे अब मैं आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा ना जो बहुत सारे लोग गलती से उसे ऑन कर लेते हैं, उसके बाद उनका लैग स्टार्ट होता है उस सेटिंग से। बस उस सेटिंग को ऑफ करने से आपका लैग बहुत ज़्यादा ही हद तक कम हो जाएगा। तो उस सेटिंग को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सीधा आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। एंड अब अगर आपको मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूँ आपको उन सब सेटिंग्स को अच्छे से देख लेना है। तो पहले आपको यहाँ पे तीन लाइन में क्लिक करना है एंड आप पहुँच जाओगे ऐप की सेटिंग में। तो गाइस हम पहले ऐप की सेटिंग कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है गाइस वीडियो एंड रेंडर पे। वीडियो रेंडर पे जाने के बाद गाइस आपको रेंडर यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। एंड आपको जो वीडियो आपको जो आपके मोबाइल का रेजोल्यूशन है, स्क्रीन रेजोल्यूशन, उसे आपको सेट कर लेना है, मतलब रेजोल्यूशन स्केल, वैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो आपको इसे 50 या 60 पे सेट कर लेना है, तो मैं इसे 50 पे सेट कर देता हूँ। एंड गाइस आप इसको जितना लो रखोगे उतना ही आपका एफपीएस ज़्यादा आएगा, तो ये आपके ऊपर आपको कितना रखना है। तो मैं इसे 50 कर लेता हूँ। एंड गाइस आपको इन दो सेटिंग्स को तो हमेशा ऑफ रखना है, इसे इन दो सेटिंग्स को ऑन ही मत करना, ऑन किए लग स्टार्ट। ओके, तो चलता है कंट्रोल्स पे। कंट्रोल्स में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, उसके बाद फिर आपको जाना है इसमें। एंड गाइस आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज करना है आपको, इसमें मेमोरी चेंज करना है। एंड ये मेमोरी आपके मोबाइल के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। लाइक मेरे में है 8 GB रैम, तो मैं इसको 400 MB कर लेता हूँ। आपके मोबाइल में जितना भी रैम उसका आधा होना चाहिए, इसमें 6 है तो 3, 12 है तो 6। ओके, आपको इसमें ऑप्टिफाई इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। बहुत ईजी होता है ऑप्टिफाई इंस्टॉल करना, बच्चा भी कर लेगा। आपको सिंपली जार में दबाना है। एंड मेरा बात सुनो, आप बोलोगे कि ये सब मतलब ये हम ऑप्टिफाइन लाएंगे कहाँ से। गाइस ऑप्टिफाइन डाउनलोड करना अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब में 2-3 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, गूगल में सर्च करो ऑप्टिफाइन और फिर ऑप्टिफाइन वाले वेबसाइट में जाओ और वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लो, डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगा। एंड फिर गाइस अगर कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे ईजी है आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पर दबा देना है। आपको थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक ओके का बटन आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे इंस्टॉल चुका है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। एंड फिर आपको यहाँ से फोर्स क्लोज करके ओके दबा देना है। एंड फिर आपको ओके दबा देना है। एंड आपको सिंपली यहाँ से ऑप्टिमाइज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बताइए कि मेरा 2-2 शो कर रहा है कि मैंने एक ही डाउनलोड किया था, कुछ होता है इस ग्लिच होता रहता है। प्ले पे दबा देना है। एंड अब मैं आपको बताऊंगा गेम के अंदर की सेटिंग, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स को आपको कर लेना है। बस अब मैं आपको बताने वाला हूँ गेम की सेटिंग, आपकी ऐप की सेटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको बस स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। सबसे पहले गाइस चले जाना है वीडियो सेटिंग पे एंड इसको पहले फुल कर लेते हैं। एंड आपको ये सब नहीं छेड़ना है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चेंज करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका ग्राफिक्स क्या है। ग्राफिक्स आपको फास्ट कर देना है। एंड नाइन स्मूथ लाइटिंग ऑफ और इसको आप 100% रखना है। GUI स्केल गाइस आपके ऊपर, आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हो। एंड चंग डिस्टेंस गाइस आपको करना है 5 ताकि आपका लैग ना हो, इसको आपको 5 ही रखना है। FPS अनलिमिटेड, ब्राइटनेस डायनेमिक लाइट ऑफ और ये एंटिटी शैडो भी गाइस आपको ऑफ रखना है। डायनेमिक FOV आपको ऑफ रखना है। एंड फिर आप चल जाते फिर गाइस चल जाते हैं डिटेल्स में। गाइस डिटेल्स में आपको मैं जल्दी बता देता हूँ, आपको क्लाउड को रखना है ऑफ, ट्री को रखना है ऑफ ही लगा ठीक। तो गाइस चलो फास्ट ही कर देते हैं इसको। एंड गाइस देखो, आपको इसमें सबसे लीस्ट सेटिंग जो हो सकती है ना आपको वो करना है, स्काई ऑफ, सन एंड मून ऑफ, फॉग को आपको ऑफ कर देना है।
एंड व्यू वॉबिंग को भी आपको ऑफ कर देना है, फिर आपको जाना है यहाँ पे एंड आपको रेड एंड स्नो को भी ऑफ कर देना है, ये आपके ऊपर, आप इसको फास्ट भी रख सकते हैं एंड चार्ट्स को ऑफ कर देना है, फॉग है आपको इसको 2% पर रख देना है एंड गाइस बाकी सब तो आप ऑन छोड़ सकते हो। एंड अब आ जाते हैं एनिमेशन पे, तो एनिमेशन में गाइस आपको ऑल ऑफ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसको दबा के डन दबाना है सिंपली एंड फिर क्वालिटी में आ जाते हैं। एंड गाइस देखो अब आप क्वालिटी को ज़्यादा कुछ मत छेड़ो, ठीक है, क्वालिटी को छोड़ोगे तो गेम बहुत बेकार जाएगा। तो गाइस देखो जैसा मेरा सेटिंग आपको दिख रहा है ना सेम टू सेम इसको कॉपी कर लो, बस मैं यहाँ पे दो तीन सेटिंग चेंज कर देता हूँ, बस आपको सिंपली इस सेटिंग को कॉपी कर लेना है, वीडियो पॉज करो उसको कॉपी करो एंड चलते हैं दूसरी सेटिंग पे, परफॉर्मेंस इसको आपको नहीं छेड़ना है जैसा है। एंड गाइस हाँ मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला था, तो गाइस वो सेटिंग है ये स्मूथ एफपीएस, अगर आपने इस स्मूथ एफपीएस को ऑन कर लिया तो आपका एफपीएस बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगा, आपका एफपीएस बिल्कुल फ्लक्चुएट होगा, आपका मोबाइल आपके फट जाएगा, तो आपको इस सेटिंग को तो ऑन बिल्कुल नहीं करना है। एंड अब गाइस हमारी लगभग सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं, चलते हैं गेम के अंदर, मैं आपको एफपीएस शो कर देता हूं। इसमें थोड़ी रिकॉर्डिंग के कारण एफपीएस थोड़े लो आ रहे हैं, लेकिन गाइस ये सेटिंग करने के बाद आप देखो गाइस 200 एफपीएस 100 एफपीएस, तो गाइस ये एफपीएस आपके ऐसे ही चलते रहेंगे और ये और भी हाई जा सकते हैं अगर आपका मोबाइल अच्छा है। तो गाइस मेरा मोबाइल थोड़ा लो एंड डिवाइस है इसलिए मतलब थोड़ा सा गाइस इतना फ्लक्चुएट हो रहा है एंड गाइस मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चला रहा हूँ इसलिए, लेकिन गाइस देख सकते हैं आपकी मैं मतलब मेरे 300 एफपीएस बिल्कुल आराम से टच हो जा रहे हैं एंड 300 एफपीएस गाइस आपके भी आराम से टच हो जाएंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई मैं तो भाई ग्रास दिखा रहा हूँ तो उसके कारण ज़्यादा एफपीएस दिख रहा है, तो गाइस ये देख सकते हो आप, मैं आपको दौड़ के भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे कॉन्स्टेंट 300 एफपीएस 400 एफपीएस 500 एफपीएस आ रहे हैं, जबकि गाइस मेरा लो एंड डिवाइस है उसके बाद भी देख सकते हैं आप, ये देखो गाइस मैं देख रहा हूँ गाइस ये देखो अपना पूरा स्क्रीन जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा और चंग रेंडर हो। अब तब भी देख सकते हैं मेरा 400 एफपीएस तक तो आ ही जा रहा है, स्टार्टिंग में पता नहीं क्यों मेरा 90 एफपीएस दिखा रहा था फालतू में, बट देख सकते हैं गाइस बहुत हाई एफपीएस आ रहे हैं एंड आप इस सेटिंग को करेंगे तो गाइस आपके भी इतने एफपीएस आएंगे। एंड मैं थर्ड पर्सन जाकर दिखा देता हूं, देखो गाइस कितना स्मूथ चल रहा है एंड मैं आपको थोड़ा सा दौड़ के भी दिखाता हूं, देख सकते हैं मेरा 400 एफपीएस गाइस देखो कांस्टेंट है, कहीं नहीं गया आपके 400-300 एफपीएस, तो इसीलिए स्टार्टिंग में पता नहीं क्यों स्लो आ रहे थे बट ठीक है गाइस स्टार्टिंग में थोड़ा लैग करता है बाद में उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अगर आपको ये सेटिंग थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो गाइस जरूर बताना। एंड अगर गाइस आपको पुजाब लॉन्चर के अंदर फेदर क्लाइंट चाहिए तो गाइस मैं उसकी वीडियो भी लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो गाइस कमेंट कर दो जिनको जिनको फेदर क्लाइंट का चाहिए एंड जिनको जिनको फेदर क्लाइंट चाहिए गाइस पुजाब लॉन्चर के लिए वो लोग लिख दो कमेंट में, लिख दो गाइस माइनक्राफ्ट फेदर क्लाइंट फॉर पुजाब लॉन्चर। एंड गाइस जो जो बंदा लिखेगा मैं उसको शाउट आउट भी दूंगा वीडियो में अगली वीडियो में, तो जितना कमेंट्स होंगे वीडियो जल्दी आएगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।